नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जारी ठंड को लेकर। इस साल तो सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार में धूप के साथ साथ ठंड का सितम जारी है। पहले पश्चिम बंगाल से आई हवा के कारण भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में समय से पहले ठंड आ गई। इसके बाद हिमालयी क्षेत्रों से बह रही पछुआ हवा ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। आलम यह हुआ कि हर साल यहाँ मकर संक्रांति के बाद ठंड का असर खत्म होने लगता था। इस साल तो बसंत पंचमी के खत्म होने के बाद भी यह ठंड का सितम जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ला नीना प्रभाव के कारण इस साल ठंड के दिन ज़्यादा हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ला नीना यानी कि एक जो चक्रवात है, इसके प्रभाव के कारण इस बार अनुमान था कि ठंड 15 दिसंबर से शुरू होगा। यह ठंड जो है जनवरी के पहले सप्ताह में अपने रंग में आई और इसका अनुमान है कि 26 जनवरी के बाद यह जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक हो रहा है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क एवं आसपास में पूर्णतः वातावरण जो है वह साफ रहने की बात कही गई है। इस दौरान रात के तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान लगभग 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की बात कही गई है, जबकि सुबह के समय धुंध के साथ घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। दो दिनों के बाद वायुमंडल के निचले हिस्से में हवा का प्रभाव पूर्वी होने की संभावना है, जिसके बाद से अगले 48 घंटे के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इससे रात में ठंड का एहसास थोड़ा कम होगा और दिन में धूप की गर्मी का एहसास लोगों को होने लगेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 24 घंटे में राज्य में गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी और पूर्णिया में शीत दिवस जैसी स्थिति हो सकती है। पूर्णिया में घना कोहरा के कारण सबसे कम विजिबिलिटी होगा, उसमें 40 मीटर रहने की बात कही गई। वहीं भागलपुर और गया पटना के मध्य में घने स्तर के कोहरा छाए रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी हवा का प्रभाव थोड़ा कम होगा और पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे दिन में धूप होगी और कोहरे का प्रभाव भी थोड़ा कम होगा। इससे रात के तापमान में थोड़ी कमी आने से ठंड का प्रभाव भी थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी माह में रात में ठंड रहेगी, जबकि दिन में पड़ने वाली ठंड से काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। रात में ठंड और दिन की गर्मी में बीमारी को लेकर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इस मौसम में बच्चों से लेकर बीमार वृद्ध लोगों को काफ़ी सावधान रहना होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी माह में ठंड रहेगी, रात के साथ सुबह में ठंड का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी माह में ठंड के प्रभाव को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक तरह से कहें कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि फरवरी महीने तक जो है हमें ठंड का एहसास होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगले 4 दिन के अगर हम अपडेट को देखें मौसम विभाग के, तो साफ तौर पर कहा गया है कि दिन में तो धूप होगी लेकिन रात में जो है अभी भी हमें ठंड का एहसास होगा। आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री के तापमान में बढ़ोतरी की बात कही गई है। न्यूनतम तापमान से लेकर अधिकतम तापमान में भी जो है बढ़ोतरी की बात कही गई है। फिलहाल बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी ठंड बने रहने के कारण जो बताए गए हैं उसमें ला नीना एक चक्रवाती तूफान थी जो पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी से उठी थी, इसके कारण ये कहा गया है कि ठंड का प्रभाव जो है अभी भी बिहार में बना हुआ है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।